मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले में हत्याओं का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के सहदुल्लापुर में एक महादलित महिला का शव पाया गया। घटना के बारे में मृतका का नाम ग्रामीण नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि महिला की शादी महज कुछ ही माह पूर्व हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही लालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शव को दशरथ पासवान के खेत से बरामद किया। जांच पड़ताल के दौरान PSI ब्रजेश कुमार ने घर की जांच पड़ताल की, लेकिन कुछ भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुए। ग्रामीणों ने खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन इतना बताया कि सोमवार की शाम मृतका के घर वाले झगड़ा कर रहे थे। सुबह में शव का घर के थोड़ी दूर खेत में मिलना और घर वालों का फरार होना संदेह की स्थिति पैदा कर रही है। मृतका का नाम तो किसी को नहीं पता, लेकिन पति का नाम दीपक मल्लिक, ससुर का नाम राम आशीष मल्लिक और सास का नाम जहरून देवी बताया गया है। आसपास में सिर्फ एक ही घर महादलित परिवार का है और ग्रामीण के मुताबिक घर का सामान और पालतू सुअर लेकर फरार है, जो शव देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि गला दाब कर हत्या की गई हो और साक्ष्य छुपाने के ख्याल से अन्यंत्र फेंका गया। हाँ। वो राम आशीष मल्लिक की पुतोह हुई, अच्छा। दीपक कुमार का पत्नी हुआ, अच्छा। इसमें कुछ आसपास से जानकारी प्राप्त हुआ है कि नहीं? अभी तक जी ना, अभी तक विशेष कोई जानकारी नहीं है। यही कैसे मिली थी जानकारी कि वहाँ लाश फेंका हुआ है? सुबह में लोग पर खाना गया ना, तो देखा कि ऐसे ऐसे मैंने फेंका हुआ है, तो सब लोग तो पहचानवे करता है कि हाँ भाई घर के बगल के है, यहाँ का जो भी है अगल बगल के लोग जानवे करता है, पहचानवे करता है। जी सर, आपका परिचय? हमारा नाम है उमेश पासवान। जय हो, जय हो।